नमस्कार सलाम हमारे सामने बहुत ही एक खास मेहमान आज हमारे चैनल पे मौजूद है वो है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार परंजय गोवा ठाकुर का जो एक लेखक भी है एक राजनीतिक तरीके से पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है और, uh, say, so producer producer तो multi, uh, और मैं ये मैं मानता हूँ कि आज के दौर में गए दस पंद्रह साल के दौर में अगर पत्रकारिता के बुलंद आ, एक तरफ से बुलंद आवाज को ताजा रखने का काम परंजय परंजो ने किया है परंजो बहुत बहुत स्वागत है ये ने ने में। जी आप इतना तारीफ किया मेरा <laughs> <laughs> आज हमारी बातचीत जो है वो दो अलग अलग किस्तों में हम बांटेंगे पहली पहली बातचीत जो हमारी होगी वो हम आ, विकास और धारावी का एक मॉडल जो हमारे सामने आया है हमारे बम्बई शहर को जो मेरा बम्बई शहर है उसको लेकर और वो बम्बई शहर के लिए उसका मायने क्या रखता है और इसके क्या अलग अलग इम्प्लीकेशन है आ, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके पहले भी अडानी को लेकर हुई है जो अडानी गौतम अडानी जो एक बहुत बड़े आ, बहुत ही अमीर अभी करोड़पति भी नहीं सकते अरबपति भी नहीं कह सकते ऐसे एक कॉरपोरेट सेक्टर के व्यक्ति जो हुकूमत से बहुत बहुत करीब है और ये जाना भी जाता है माना भी जाता है हम देखते भी हैं। तो इसके पहले भी हमने, आरे का देखा, हमने बाकी की भी देखी बंबई शहर अडानी पावर की जो बिल्स हर तीन वो भी बहुत मगर लगता है कि हमारे कंज्यूमर्स भी आहिस्ता आहिस्ता ये सबको देखते देखने के बावजूद कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहे है और कर नहीं पा रहे हैं मगर मतलब शुरू करते हैं धारा विश्व जी पहला बात की ये इस विषय के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक वित्तीय चित्र बनाया धारावी का दादा कौन और अगर आप आपका दर्शक देखने चाहते जरूर वो देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल परंजॉय ऑनलाइन में पहला बात है धारावी इतना महत्वपूर्ण क्यों है पहला बात है मुंबई शहर मुंबई शहर में जो जमीन और रहने का जगह जो अंग्रेजी में रियल इस्टेट कहेंगे विश्व में सबसे ऊंचा है आपको ये सरल भाषा में अगर मैं समझा दूं, जो अर्थशास्त्री है वो कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी एक उदाहरण देता हूं एक अमरीकी डॉलर आज इसका कीमत है चौरासी रुपया मगर चौरासी रुपया में आप भारतवर्ष में या मुंबई शहर में या धारावी में जो आप खरीद सकते हैं वो आप वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क में नहीं चार गुना लगेगा लगभग तो इसका मतलब है परचेसिंग पावर पैरिटी पॉइंट टू फाइव मतलब एक डॉलर जो अमेरिका में आप जो भी खरीद सकते हैं खाना वगैरह और भारतवर्ष में उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट पच्चीस फीसदी आपको मिलेगा मैं क्यों कह रहा हूं मुंबई शहर में जो रियल एस्टेट जो मकान जो रहने का जो जगह जो किराया है जो जमीन का ये विश्व के सबसे ज्यादा है न्यूयॉर्क कहिए टोकियो कहिए साओ पाओलो मनीला ऐसे विश्व में कोई जगह नहीं है जहां रियल स्टेट वैल्यूज इतना हाई है यह पहला बात दूसरी बात है धारा भी एक तरह से धारावी विश्व में ऐसे जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा लगभग इसका जमीन का एरिया है ढाई वर्ग किलोमीटर टू पॉइंट फाइव स्क्वायर किलोमीटर्स और इस जगह में लगभग दस लाख लोग किसी एक समय रहते हैं तो इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया आपको कहीं नहीं मिलेगा और एक दौर भी, भी है और रहन सह भी है बिल्कुल यही मैं आगे बढ़ा रहा हूं ऐसे जगह इसका यूनिकनेस है अभिनवता है कि यहाँ पे लोग सिर्फ रहते नहीं यहाँ पे हजारों दस हजार से ज्यादा छोटे छोटे लघु कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अलग अलग, अलग चीज बनते हैं उसके ऊपर हम और भी बारीकी से आपको बताएंगे मगर मेरा कहना है इतने डेंसली पॉपुलेटेड जगह कहीं नहीं धारावी का पुनर्विकास रीडेवलपमेंट आज भी बहुत दशक से चल रहे हैं और मैं दर्शकों को बता दू एक मिनट के क्योंकि मैंने, मैंने आपके इंटरव्यू करने से पहले मुझे आदत है कि थोड़ा रिसर्च करना ज्यादा तो मैंने दो तीन दिन से आपके अः आपके खुद की वेबसाइट जो है उस पर मैंने बहुत ही एक अच्छा इंटरव्यू अमिताभ पीडे का देखा और उन्होंने इतने अच्छे से समझाया है पूरा कि वॉट डज इट मीन कि 1986 में पहली बार प्रयत्न किया गया फिर नाइनटी में प्रयत्न ना किया गया उसके बाद 2008 में प्रयत्न किया गया मगर ये सब कोशिशों के बावजूद ये वही पे वही रह गया बिल्कुल ठीक कहा तो ये दशक में लोग कह रहे हैं कि हमें नया बनाना चाहिए धारावी धारावी के लोगों को अच्छा रहने का जगह होना चाहिए ऐसा नहीं है कुछ विकास नहीं हुआ एक समय धारावी में एकदम पानी पानी जम जाता था बारिश के समय आज उतना स्थिति इतना खराब नहीं है बिजली बोलिए रहने का मगर इसका और भी आगे और भी विकास होने का बहुत बड़ा संभावना है मगर जिस तरह से ये काम हो है मैं समझता हूं ये जनहित में नहीं है सरकार कह रहा है ये दस लाख लोगों में एक लाख लोग आप कहेंगे प्रवासी मजदूर माइग्रेंट वर्कर्स वो आते हैं जाते हैं मगर सरकार का कहना है लगभग आधा इसमें पांच लाख लोग गैर कानूनी तरह से रह रहे हैं एलिजिबल और इन एलिजिबल अपात्र तो इसी में बड़ा एक विवाद हो गया आप क्या करेंगे इतने लोग को लेके? आप इसके लिए अडानी के लिए अच्छा अडानी के बारे में हम आ रहे हैं मगर उसके पहले हम दो तीन चीज बताना चाहता हूं ये अब बहुत बहुत बारीकी से इंफॉर्मेशन सोचता आए कुछ दिन पहले 31 अक्टूबर द मॉर्निंग कॉन्टेक्ट करके एक वेबसाइट है वहां पे सुरेंदर जी टी सुरेंदर जी उन्होंने साफ लिख दिया एकदम किस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने एक टेंडर फ्लोट किया था धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और उनका कहना है इसमें लग रहा है ये तो कानूनी नहीं है जो एक मीटिंग होते है कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज की एक दो अलग अलग डॉक्यूमेंट एक में दस्खत नहीं है तारीख नहीं है ये कैसे हो सकता है क्या हुआ उस समय महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी डी के जैन साहब उन्होंने दस्तखत नहीं किया फाइनेंस सेक्रेटरी यूपीएस मदान जी ने साइन किया फिर मदान जी ने उसके बाद आ, मतलब उसके बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी हुआ। मगर ये सब आगे बढ़ गया क्या? क्या देवेंद्र फडनवीस जी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री यू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में गया वहां बोला हम चाहते हैं आपको आप आइए आप हमारे आ, यहां पे विकास कीजिए तो एक यूएई का एक कंपनी सेक लिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन करके उन्होंने एक बिट किया और एक नंबर में एल वन में वो पहुंच गए थे उसके साथ और भी कंपनीज कम, थे तो उसी दिन किस तरह से उस समय का जो आई ऑफिसर साहब है एस वी आर श्रीनिवास है जो धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का सीईओ है फाइल लेके फडनविस जी के पास पहुंच गए मगर अचानक सब कुछ बदल गया बोला नहीं रेलवे का कुछ जमीन है नया करके बिट करना पड़ रहा है पैतालीस एकड़ एक रेलवे के बिट है और फिर ये फेबर दो हजार उन्नीस के बाद कर रहा हूं अभी ये मामला चल रहा है केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में है हयरिंग खत्म हो गया फाइनल जजमेंट आने वाले हैं अक्टूबर 2022 में नया टेंडर इशू होके नया बिडिंग शुरू हुआ और वहां आडानी जीत जीत गया तो अडानी जी नंबर टू में थे नंबर वन हो गया एक तरह से मैं कह रहा हूँ मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ वर्षा गायकवाड़ वहाँ का विधायक थे बहुत बहुत सालों तक आप लोकसभा सांसद भी है शी इज क्लियरली सैड मैच फिक्सिंग और ये वर्षा गायकवाड़ जी अकेला नहीं राहुल गांधी बहुत सारे राजू कोडे बहुत सारे वहां का जो कार्यकर्ता है राजनीतिक दल का सामाजिक कार्यकर्ता बहुत यह आपने मैच फिक्स कर दिया अडानी जी के लिए आपने अडानी जी का बात किया उसका कितना पैसा है हमें मालूम नहीं सी जो व्यक्ति तीस साल पहले मुंबई का झवेरी बाजार में हीरे का कारोबार करते थे कॉमर्स बी कॉम ड्रॉप आउट वो पच्चीस साल बाद विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में एक आ गया भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति में एक आ गया कैसा आया ये लंबा कहानी है और आप अगर देखेंगे जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी गुजरात का मुख्यमंत्री और भारतवर्ष का प्रधानमंत्री और अडानी जी किस तरह से जिस रफ्तार से बना ये साफ हो जाएगा मैंने नहीं कहा आपने अभी कहा कि वर्षा गायकवाड़ जी ने इसको लगातार इस मुद्दे पर उठाया है राहुल गांधी जी ने उठाया है राजू कोडे जी जो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता है उन्होंने उठाया है मैं तो कहूंगी की आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी ने भी हाल में अभी अभी परसों की मीटिंग थे जहाँ पे उद्धव जी ने पूरे 900 एकड़ जो रेलवे लैंड वगैरह की बात है उन्होंने उठाया कि आपको धारावी के जमीन के लिए कितनी जमीन दी जा रही फ्री में मतलब धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए आप अडानी को सोल्ट लैंड लैंड रेलवे लैंड सब कुछ दे रहे जो अनधिकृत आप, आप देवनार में जहाँ कचरा कूड़ा रहते वहां पे आप जमीन दे रहे आप मुलुंड में जमीन दे रहे क्या मुंबई का रियल एस्टेट की नहीं एकदम राजा बना बन बनाने के लिए सब सरकार कर रहे हैं और सरकार जाने के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने के पहले आप गवर्नमेंट रेजोल्यूशन एक के बाद एक आप इशू कर रहे हैं ये ये देखिए सबको मालूम है ये जैसे लोग कहते हैं सिर्फ कांग्रेस वालों ने मैं भी कहता हूँ ये अडानी नहीं ये मोडानी है मैं आपको एक मेरे खिलाफ अडानी जी का वकील छह मानहानी का केस इस वक्त जारी है दारावी का इस तरह का जो डेवलपमेंट है उसका मतलब क्या होगा इसका मतलब है अगर सरकार बदल जाते हैं तो आदित्य ठाकरे जी उद्धव ठाकरे जी राहुल गांधी जी जो वो साहब क्या ये दोबारा शुरू हो जाएगा दोबारा ये टेंडर होगा दोबारा इनविटेशन ऑफ टेंडर होगा तो प्रोसीजर किस तरह होना चाहिए और ये दस लाख लोग जिसमें प्रवासी कामगार भी हैं मतलब एलिजिबल इन एलिजिबल का जो फर्क बनाया है सरकार ने वो भी है उसको किस तरह टैकल करना देखिए भविष्यवाणी करा करना बहुत मुश्किल है तीस्ता जी हमें तेईस नवंबर महाराष्ट्र का विधानसभा का क्या नतीजा होगा उसी दिन हमें मालूम पड़ेगा तेईस नवंबर चौथ कौन उसके बाद मुख्यमंत्री बनेगा उसी समय हमें मालूम पड़ेगा सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी ने कहा अगर हमारे सरकार आते हैं महाविकास अघाड़ी का सरकार आते हैं तो ये जो टेंडर है ये जो ठेका है ये जो अग्रीमेंट है हम कैंसिल करके नया अग्रीमेंट करेंगे ये उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा राहुल गांधी ने ऐसे ही बात किया आपका मुंबई में ऐसे बात किया तो क्या होगा समय बताएंगे मगर हमें जो सबसे कहानी नहीं खत्म हो रही मुंबई में एक है एफ एस आई फ्लोर स्पेस इंडेक्स दूसरी है टी डी आर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट एक जगह में आप अगर कुछ अधिकार लेते हैं कुछ कागज आपका मिलता है टी डी आर बहुत महंगा होता है आपको ये खरीद के आप और कहीं आप मकान बना सकते हैं तो ये जो टी डी आर सरकार ने नियम बना दिया कि ये धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का टी इसका एक बड़ा हिस्सा रियल इस्टेट लोगों को खरीद तो आप गोदरेज कहिए टाटा कहिए हीरन अंदानी बोलिए कनाकिया बोलिए रहेजा बोलिए लोधा बोलिए रोस्तम जी कोई भी मकान बनाएंगे मुंबई या बृहन मुंबई में तो आपको यहीं से टीडीआर खरीदना पड़ता ये लेवल प्लेइंग फील्ड है ये सचमुच कंपटीशन है प्रतिद्वंदिता क्या एक तरह से सब इक्वल कंपटीशन है या एक तरह से क्रोनी पूजीवाद है जो आ, या देखिये डी देखिए डीआरपी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड इसका अस्सी फीसदी अडानी जी के है और बाकी जो बीस फीसदी है महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी

सेकलिंग का कहानी खत्म नहीं हुआ मैंने अभी अभी जो कहा मुंबई हाई कोर्ट का हियरिंग्स खत्म हो गया अगस्त महीना सेकेंड ऑफ अगस्त में ये खत्म हुआ अब जजमेंट ये ये अलग बात है, है। मगर मेरा कहना है कि जिस तरह से ये सारे ठेका एक ग्रुप को दिया है ये सचमुच मैं समझता हूं दिस इज नॉट फेयर दिस इज नॉट ये ये इतना ही मेरा कहना है और भविष्य में क्या होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो क्या सिद्धांत रहेगा समय बताएंगे मगर तो सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूं, जिस रफ्तार से अडानी जी का संपत्ति और अडानी जी का जो उनका जो समूह है जो बिजनेस जिस रफ्तार से भरा ये मोदी जी के समय में इतना तो साफ है वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस तरह की बिजनेस प्रैक्टिस

ट्रंप को जिता दिया मगर फर्क क्या है ठीक है महात्मा गांधी भी घनश्याम दास बिरला का घर में रहा था आप उनका लेख पढ़िए जहाँ पे उनको तीस जनवरी दो हजार में हत्या किया गया था उन्होंने बहुत कुछ लिखा क्यों वो एक बहुत बड़ा पूंजीपति एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का मदद ले रहे थे उनके सामने एक और लक्ष्य था उस समय ब्रिटिश का कॉलोनियल सरकार हटाना था उसके बाद आप टाटा ग्रुप देखिए बिरला ग्रुप देखिए अंबानी देखिए सब लोग के लिए सरकार नियम बनाया नीति बनाया अधिनियम बनाया उनको मदद करने के लिए अडानी का के फर्क क्या है जो क्रोनी कैपिटलिज्म क्रोनी पूंजीवाद और अलीकार की। मोदी जी और अडानी जी में कोई फर्क नहीं देख रहे मोदी जी देश विदेश घूम के आए हैं हर जगह में अडानी जी उनके साथ गया मगर वहां खत्म नहीं हुआ एक पूंजीपति को ठेका मिला ऑस्ट्रेलिया इसराइल टेन्सेनिया ही श्रीलंका बांग्लादेश नेपाल आई मगर बात क्या है ना जब हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट आया था उस समय सब जो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अडानी जी का जो प्रवक्ता वो कह रहे थे कि ये आक्रमण मेरा ऊपर नहीं है आक्रमण भारतवर्ष के ऊपर है और उन्होंने जवाब दिया पीछे भारतवर्ष का तिरंगा था मैं आज कह रहा हूँ आज भारतवर्ष का संपर्क बांग्लादेश के साथ क्यों खराब श्रीलंका के साथ क्यों खराब हो गया कीनिया के साथ क्यों खराब हो गया इसके पीछे बहुत कारण हो सकता है मगर एक महत्वपूर्ण कारण है कि मोदी जी एक पूंजीपति एक उद्योगपति का बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए उस तरह उनका एक मार्केटिंग मैनेजर बन के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन के किया और ये भारतवर्ष के में नहीं था आज जबरदस्त का सरकार और अडानी पार्क के बीच झगड़ा चल रहा है गोड्डा कौन किसको कितना पैसा देगा श्रीलंका में जो नया वहाँ माना वो साफ साफ कह दिया कि हम ये कैंसिल कर रहे हैं अडानी का प्रोजेक्ट कीनिया में भी वही हालत है लोग सरस कीनिया में तो पब्लिक स्कैंडल हुआ पॉइंट और भी देखिए ना इसराइल में अडानी जी उनका सबसे दूसरा नंबर जो समुद्र का बंदर हाइफा पोर्ट चला रहे मगर उनका जो ड्रोन यो अनमैन एरियल व्हीकल्स उनके जो बंदूक They are being assembled in India by Adani. And they are being used to kill the people in Palestine, in Gaza, in Lebanon, in Iran. These are facts I'm giving you. They can't deny it. So when one person's interests, one industrialist, one capitalist interests are so conflated with that of the head of the government on another of, of, of a country,

आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं आज वो क्या परिस्थिति है वो रिपोर्ट को लेकर वो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को लेकर और, हाँ, और जो सेबी में मामला चल रहा है, हाँ, है आज वो दूसरी जो रिपोर्ट आये है इंडन बर्ग का ये सीधा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो चेयरपर्सन माधवी पोनी बुच उनके ऊपर उंगली दिखाया साफ साफ कहा कि ये जो महिला जो सेबी का पर्सन है जिसका काम है पूरा शेयर बाजार फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर नियंत्रण कर रहा किस तरह से खुद कंप्रोमाइज वो अपना उसका हस्बैंड कैसे कंपनीज के ऊपर अपना निवेश किया कैसे रियल एस्टेट में उनका पैसा डाला एक कंपनी विदेश में जहां पे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का बेटा का भी कुछ इंटरेस्ट है और किस तरह से आईसीआईसीआई सी को सी आई बैंक करोड़ों रुपया उसको दिया सब कुछ आज सार्वजनिक है पवन खेरा प्रवीण चक्रवर्ती कांग्रेस का प्रवक्ता पांच पांच या छह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी, माधवी पुरी जी और माधवी बुद्ध जी ने तो पार्लियामेंट्री कमेटी से मिलने से भी इनकार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आना था मगर वो नहीं आया अचानक मीटिंग शुरू होने का थोड़ा सा पहले उन्होंने बोला मैं आज नहीं आ पा रहा पर्सनल रीजंस व्यक्तिगत कारण के लिए अभी ना मीटिंग कब होगा हम देख लेंगे वो आएंगे कि नहीं मगर एक पुरानी कहावत है राजा का दिल और दिमाग तोता में रहता है कभी तो आप समझ लीजिए कौन राजा और कौन तोता कौन नरेंद्र मोदी जी कौन अमित शाह जी और कौन माधवीपुरी आपका दर्शक मैं जो कह रहा कहना चाह रहा हूं मेरा ख्याल है आप भी समझ रहे वो भी समझ जाएंगे वो पार्क रिसर्च जो था उसका भी नतीजा मतलब लोग कब देखेंगे क्या देखेंगे आपको क्या लगता है उन्होंने किस तरह कंटेन किया अभी भी हमें रिपोर्ट मिल रही है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं हर दिन तीसरा आपने ठीक कहा क्या होगा कहना मुश्किल है सरकार क्या क्या कहा नहीं कहेगा यह भी कहना मुश्किल है सचमुच माधवीपुरी कुछ और जो जो निवेश किया जिन जितने कंपनीज में अपने मकान और किराया में दिया वोखाट को ये को वो को सब कुछ सब कुछ उन्होंने पारदर्शिता से दिया किसको बताया वित्त मंत्रालय के बताया सेबी का बोर्ड भी बताया आ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री जो कैबिनेट कमेटी और अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट में थे किसको मालूम है कम मालूम है ये एक व्यक्ति का है या पूरा हमारे सिस्टम हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स और हमारे पूरा फाइनेंशियल सिस्टम क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चला और इसीलिए अडानी महत्वपूर्ण रफ्तार से शेयर बाजार के कीमत बढ़ा इसका एक कारण है ये अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आज सुप्रीम कोर्ट नया राय आया डीआरआई दोबारा जांच शुरू कर देगा अडानी ग्रुप के ऊपर विदेश में गौतम अडानी जी का भाई है उनके क्लोज़ एसोसिएट्स हैं एक ताइवान में है एक यू ए मी यू ए है चैंग चुंग लिंग नासिर अली शबान और हमारे विनोद अडानी जी साइप्रस का नागरिक है कैसे पैसा घूम के फिर के इधर से उधर से काला से घोड़ा के सफ़ेद हो के वापस आ गया ये तो एक किताब लिखना पड़ेगा आम किताब का काम चल रहे बहुत लंबा चौड़ा कहानी मगर नुकसान किसको भारतवर्ष का नागरिक का हुआ आप जैसे शुरू किया था मुंबई के नागरिक को क्यों ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है वो बिजली जब खर्च करते हैं ये जो कोयला आता है क्या आरोप है आरोप है मैं नहीं कह रहा हूँ आरोप सरकार ने किया डीआरआई डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस किया कि इसको ओवरवैल्यू किया था ₹10 का माल अब ₹20 में बेच रहे तो ये पैसा कहां गया मगर नुकसान तो हम जानते हैं किसका हुआ जो विद्युत उपभोक्ता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स है उनको ज्यादा पैसा देना तो यह सिर्फ एक अडानी जी का बात नहीं वहां रोक जाता है, है। माधवीपुरी बुद्ध जो है वहां पे नहीं रोक जाता ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स जो भी बिजली खर्च करता है इट अफेक्ट्स ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया यही मैं कहता चाहता एक सवाल मुझे लगता है कि ये सब मेहनतों की वजह से आपकी मेहनत साइलों से आप जैसे अलग अलग पत्रकार के पूरे कलेक्टिव है जो ये काम कर रही है ये मुद्दों रिपोर्ट को लेकर जितना भी बदनामी की कोशिश सरकार ने की मुझे लगता है आम इंसान को आज भारतवर्ष में अडानी के नाम से जानकारी है कि ये इंसान जो है पावर पावर्स बी के साथ बहुत करीब है इतने की जानकारी लोगों को है एक शक शक का जो एक जो बूंद है जो That that doubt, that smear of doubt is already crept into the public discourse. उट अभी उससे और कुछ बढ़े कुछ राजनीति पे समाज में फर्क चाहता हूँ इसका कुछ होगा मगर होगा सचमुच कैसा ये कहना मुश्किल है अडानी जी का बहुत कांग्रेस राजनेता के साथ भी अच्छे संपर्क है उसमें तो आने वाली थी तेलंगाना के मुख्यमंत्री जिन्होंने सौ करोड़ ने का चेक किया देवंत रेड्डी आपका कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश का भूतपूर्व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे राजस्थान की एक समय भूपेश बघेल जी भी से साथ और बस वहां पे आप केरला में जाइए पिना विजयन का सरकार आ, एक बहुत बड़ा समुद्र का बंदर बन रहे बंगाल में जाइए तमिलनाडु में जाइए मगर मेरा कहना है कि जिस तरह से एक व्यक्ति एक पूंजीपति और एक प्रधानमंत्री का जो संपर्क दे बिकम वन बार बार वो शब्द आ रहे हैं मोडानी मोडानी और चुनाव प्रचार के सामने अचानक एक दिन नरेंद्र मोदी जी बोला कि राहुल गांधी सुबह उठ के अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी शुरू करते हैं मोदी जी ने कहा और ये भी कह दिया एक सार्वजनिक सार्वजनिक मंच से कह दिया कि टेम्पो भर के क्या चाह रहे राहुल गांधी जी इतना बड़ा आरोप भारतवर्ष का प्रधानमंत्री ने किया तो किसी ने एक याचिका एक, एक पिटीशन किया खानवीलकार साहब जो हमारे देश का लोकपाल है तो वो बोला ये चुनाव प्रचार के समय लोग ऐसे उत्तेजित होके कह देते ऐसा नहीं है मोदी जी बहुत कुछ कहा उन्होंने ये भी कहा कि परमात्मा ने उनको भेजा कोई बात नहीं तो अगर मोदी जी को मालूम है कि अंबानी और अडानी का पैसा टेम्पो में राहुल गांधी के पास चले गए तो आप जांच कीजिए ना आपके पास सी है आपके पास ईडी है आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आपके पास क्या नहीं तो देखिए सब लोग को आप बार बार नौका नहीं देते दे, दे, दे सकते यू नो यू कान फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम यस यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम यू कैन फूल यू नो यू कैन फूल पोल ऑल सम ऑफ द टाइम नॉट ऑल ऑल द द पीपल टाइम जो पुराना एक कहावत है सो आई एम ऑलसो से Time will tell. But I am saying that Indian, the Indian economy, the Indian polity, Indian business, they don't stand to gain if only one oligarch, one monopolist, his interests are promoted by the head of the government to the expense of us. अदर्स ये 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 सचमुच लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं नहीं है yeah. ये नहीं है कंपटीशन यू यू डोंट डोंट हैव हैव टू टू बी बी अ देश का अर्थव्यवस्था में नहीं। एक कंपनी सारे हवाई अड्डा का नियंत्रित करते हैं आप जानते हैं किस तरह से मुंबई एयरपोर्ट उनको मिला ज्यादा से ज्यादा जो समुद्र के जो जो बंदर है सी पोर्ट्स आप चला रहे कोयला आयात विज्ञाना हाँ आप खनन कर रहे हैं आप बिजली उत्पादन कर रहे हैं बिजली वितरण कर रहे हैं आप गैस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे परसों में एक इंटरव्यू देख रही थी झारखंड के मुख्यमंत्री का हेमंत सोरेन जी का और उन, मतलब वो कह रहे थे कि हम कहे तो कितना कहे कि हमारे वहाँ बिजली प्रोड्यूस करके बांग्लादेश में भेजने का काम ये सरकार कर रही है ऐसे आश्चर्य बात है कि झारखंड में इतना कोयला है वहां से आप ऑस्ट्रेलिया लगभग 9000 किलोमीटर उड़ीसा आके आपको गोड्डा झारखंड में पहुंच जाता है और कितना बड़ा विवाद हो गया आज भी चल रहे हैं वो विवाद बिल्कुल तरह से नहीं हुआ एंड एंड तीसरा ही एंटर्ड योर लाइफ इन वेज यू कुड नेवर इमेजिन खाना खाते है ना और yeah. पकोरा uh, बनाते हैं पराठा बनाते हैं आप फॉर्चून ते, तेल अगर इस्तेमाल करते हैं वो भी अडानी जी का है अगर आप सेब खाते हैं वो भी अडानी जी ने नियंत्रण कर करे सो वेरी रेयरली आई डोंट थिंक यू सीन इन इंडिया विच वन क्लॉमरेट है्यूज इंफ्लुएंस सच ग्रेट कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपनी जो हम कहेंगे बुनियादी ढांचा ये जी का कहानी है फाइनली आपका दिल और दिमाग क्या कहता है कि धारावी का दादा कौन बनेगा धारावी के लोग आवाम हाँ, मैं चाहता हूँ कि धारावी के लोग बने और जिस तरह से ये सरकार के साथ महायुति सरकार के साथ जो नए है सब इकट्ठा करके विरोध कर रहे हैं ये कार्यक्रम तो मैं लोगों का शक्ति में आम आदमी के शक्ति में गरीब लोगों का शक्ति में अभी भी मेरा विश्वास है क्योंकि धारावी के लोग कोई तमिलनाडु से आए हैं कोई उड़ीसा से आए हैं कोई बिहार उत्तर प्रदेश से आए हैं एक मिनी इंडिया है एक चीज है सब लोग बहुत मेहनत करते हैं सब लोग गरीब हैं मुंबई आपका झाड़ू पोछा का शुरू करके आपका इडली डोसा का खाना आपका प्लास्टिक रिसाइकलिंग से शुरू करके आपका जरी का काम है तो सभी वहीं पे हो रहे हैं ऐसा एक यूनिक जगह इनके लोग अपना जीवन अपना भविष्य के ऊपर जो नियंत्रण होना चाहिए यही मैं चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी चाहते हैं और मुंबई के ज्यादा से ज्यादा लोग और महाराष्ट्र और भारतवर्ष के ज्यादा से ज्यादा लोग यही चाहेंगे इसी उम्मीद से हम ये ये किस्ते को खत्म करते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच